आज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मैं रश्मि कुमारी। खबर की शुरुआत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को जंगल सफारी कैंपस में बनाए गए राजधानी के पहले जू का उद्घाटन किया। 50 एकड़ में बनाए गए इस जू में 11 जानवरों को लोग नजदीक से देख सकेंगे। शहर के लोगों को पहली मरतबा व्हाइट टाइगर जया और देव की जोड़ी भी इस दौरान देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त नंदनवन की बंगाल टाइगर की जोड़ी चित्रा बादशाह भी अब यहीं पर नजर आएंगे। 2500 स्क्वायर मीटर के बाड़े को जंगल की तर्ज पर तैयार किया गया है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री शिव जहेरिया समेत कई विधायक और अधिकारियों के साथ जू का भ्रमण भी किया। जंगल सफारी में सफेद शेर, बंगाल टाइगर और सिंह, दरियाई घोड़ा, भालू के बाड़े का लोकार्पण हुआ है। वन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया, बधाई। ये विस्तार हो रहा है लगातार वन सेवाओं में, सुविधाओं में। अभी बहुत सारे काम करना बाकी है। हमारे पास 44% जंगल है, इसमें कुल 37 एनक्लोजर बनाए जाने हैं जिसमें वन्य प्राणियों को रखना है। 11 बन चुके हैं, बाकी क्रमशः निर्माण कार्य चलेगा और कोशिश ये होगी कि सभी प्रकार के वन्य प्राणी यहाँ हों। उपलब्धता के लिए नियम है कि यहाँ के कुछ वन्य प्राणी देकर एक्सचेंज में हम बाकी के जो इस देश में जू हैं वहाँ से ला सकते हैं। बैंकों के निजीकरण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार आम लोगों का अधिकार छीनकर मुट्ठी भर पूंजीपतियों के साथ में हिंदुस्तान को सौंपने जा रही है, हाथों में सौंपने जा रही है। इंदिरा गांधी के वक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि आम जनता तक बैंकों का लाभ मिल सके, लेकिन ये सरकार सब बैंकों को बंद करने जा रही है। राष्ट्रीयकृत जितने भी हमारे जो पीएसयू है उसे निजीकरण करने जा रहे हैं। उसका उद्देश्य, पीएसयू का उद्देश्य जहां देश में धन उपार्जन करने के साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट की सोच रही है, नेहरू जी के समय से, इंदिरा जी के समय से, लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाने का। अब ये सरकार है आम लोगों के अधिकार छीन के कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में पूरी संपत्ति हिंदुस्तान में सौंपने जा रही है। टीवी डिबेट में बीजेपी नेताओं के नहीं आने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए डिबेट से वो भाग रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं, गांधी को अपनाना चाहते हैं, लेकिन गोडसे की निंदा नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है और इसलिए वो इस प्रकार के डिबेट में वो भाग नहीं ले रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो लोगों को भ्रम में डालना चाहते थे, गांधी को अपनाना चाहते हैं लेकिन गोडसे की निंदा नहीं करना चाहते, राम को अपनाना चाहते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास जो धरोहर है वहाँ विकास नहीं करना चाहते। दशहरे से पहले छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर सियासत गरमा गई। मंत्री रविन्द्र चौबे ने राम पर दिए बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान सामने आया। डॉक्टर रमन सिंह ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने मंत्री रविन्द्र चौबे को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस तो राम सेतु तोड़ने वाली है, राम जन्मभूमि में बाधा पहुंचाने वाली पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं के राम एक अवसर की तरह होते हैं, कांग्रेसी राजनीतिक अवसर देखकर जनेऊ दिखाने में लग जाते हैं, राम नाम चिल्लाने लग जाते हैं। कांग्रेसियों ने आजादी के बाद से अब तक राम को आत्मसात ही नहीं किया है। राम का अपमान करने वाले ये ऐसे लोग हैं जो धर्म और धर्म से विपरीत आचरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कदमों पे चलने वाली पार्टी है। ये तो अवसर मिलता है तो जनेऊ दिखाने लगते हैं, अवसर मिलता है तो मंदिर जाते हैं, ये चुनावी मौसम में ही ये काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खून में, संस्कार में डीएनए बसा हुआ है और इसलिए चौबे जी को ऐसी तुलना करने की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक अवसरों पे भगवान का ही नाम लेते हैं। पिछड़ा वर्ग के बढ़ाए गए आरक्षण पर हाईकोर्ट के जरिए रोक लगाने के
लिए गए फैसले से छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है। आरक्षण पर लगी रोक के बाद नेता प्रतिपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों का मुख्यमंत्री बघेल ने जवाब दिया। उन्होंने धर्मलाल कौशिक पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब आरक्षण लागू किया गया था तो एक भी भाजपा के नेताओं ने बयान नहीं दिया, लेकिन कल 69% आरक्षण हो गया तो उसके बाद अचानक धर्मलाल कौशिक का बयान आ गया है। अभी तक वो क्यों चुप थे और यदि पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो उन्हें समर्थन करना चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को आरक्षण पर आए फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को आरक्षण मिले ये सरकार की नीयत ही नहीं है। कल जब 70% जब आरक्षण हो गया जो देश में सर्वाधिक है, उसके बाद धर्मलाल कौशिक नेताजी का नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है, इतने दिन तक चुप क्यों थे? और यदि पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो उनको समर्थन करना चाहिए, चुप क्यों थे आज तक? नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार जहेरिया ने आरएम की जनता को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी। साथ ही उन्होंने यहां एक बार फिर से पूर्व भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि जो उन्होंने 15 सालों में नहीं किया वो हमारी सरकार ने 9 महीने में कर दिखाया। उन्होंने कांग्रेस सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया। डॉक्टर शिव जहेरिया ने नगर में 17,59,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले गौरव पथ के निर्माण का भी भूमि पूजन किया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 15,00,000 की लागत से बनने वाली प्रयोगशाला निर्माण का भी उन्होंने भूमि पूजन किया। नगर पालिका में जो गौरव पथ स्वीकृत हुए 18 करोड़ रुपए का और विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ये हमारे नगर पालिका के गौरव की बात है जहाँ विकास के सारे काम हो रहे हैं और जनता के मनता के अनुरूप हो रहे हैं। खबर रायपुर से देखेंगे जहां पर निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार ने आईपीएस से जुड़े एमजीएमआई अस्पताल की मान्यता को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही सरकारी अनुदानों पर भी रोक लगा दी है। पिछली सरकार में एमजीएम अस्पताल को अनुदान प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब सरकारी अनुदान बंद कर दिया जाएगा। एमजीएम हॉस्पिटल को जो भी अनुदान हमारे शासकीय उससे मिलता था वो सारा अब बंद हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि इसके लिए उनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। आगे तो देखिए हॉस्पिटल उनका है, हॉस्पिटल वो चलाएंगे ही चलाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ से जो अनुदान उनको मिलता था ना वो नहीं मिलेगा। रायगढ़ जिला कलेक्टर के पास पहुंचे सर्व आदिवासी समाज और गोंडवान आदिवासी समाज ने रावण को अपना भगवान बताया और उन्हें अपना पूजनीय बताया है और दशहरा पर होने वाले रावण दहन का विरोध किया है और कलेक्टर से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से रावण दहन को प्रतिबंधित किया जाए, इससे हमारी धर्म संस्कृति आस्था को ठेस पहुंचती है। सर्व आदिवासी समाज ने यह बात कहकर सभी को चौंका दिया है और हिंदू मान्यता को भी चुनौती दे डाली है। सर्व आदिवासी समाज ने महिषासुर राक्षस जिसे माँ दुर्गा दमन करती हुई प्रतिमा पर नजर आती है, सर्व आदिवासी समाज ने उसका भी विरोध किया है कि माँ दुर्गा जो महिषासुर का दमन करती हुई दिखाई देती है उस महिषासुर को हत्या करते हुए ना दिखाया जाए। अगर हमारी इस मांग को नहीं माना जाता है तो हम सर्वव्यापी आंदोलन करेंगे और इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की रहेगी। रावण दहन बंद किया जाए क्योंकि वो हमारे आदि शक्ति हैं, हमारे पैन पुरखा हैं, हम उनको पूजा करते हैं, आदिवासी लोग उनको पूजनी मानते हैं। आदिवासी समाज के लोग उनका कहना है कि दुर्गा माता की प्रतिमा वहाँ पे विराजमान हो रही है उसमें महिषासुर का वध ना दिखाया जाए क्योंकि महिषासुर जो है वो उनके पूज्य नहीं है और वही रावण दहन का भी वो विरोध कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जिला प्रशासन क्या है, व्यापारी माओवादियों ने बीजापुर आबापल्ली मार्ग पर दुगाई गुड़ा में फेंके पर्चे। आपको बता दें पोटा केबिन के करीब नक्सलियों ने ये पर्चे फेंके हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इस वक्त आम जनता से नक्सलियों ने नक्सली विचारधारा अपनाने की अपील भी की है, इन पर्चों पे लिखा हुआ है। तो 21 सितंबर से 8 नवंबर 2019 तक पार्टी की 150वीं वर्षगांठ का जिक्र किया गया है
और गांवों में जोर शोर से मनाने का जिक्र इन पर्चों में बैनर पोस्टर में किया गया है। दंडकारिणी के क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपील भी की गई है और सक्रिय सदस्य बनने के लिए इसमें भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बहुवादी के नाम से इन तमाम पर्चों को बैनर को जारी किया गया है। बेमेतरा पुलिस ने वैन लूट के तमाम आरोपियों को पकड़ने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। कैश वैन से 1,64,00,000 रुपए से ज्यादा की लूट करके भाग रहे 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने लूट की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था जब कैश वैन का कांटे से अचानक टायर पंचर हो जाता है, जिसको बदलने के लिए ड्राइवर और गनर दोनों बाहर निकलते हैं। उसी बीच कार में सवार चालकापोष कैश वैन से 1,64,00,000 रुपए लूट लेते हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए नाकेबंदी कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। कोरबा में रेलवे की डोर क्लीनिंग से जुड़े ठेका मजदूरों को 3 महीने से वेतन तक नहीं दिया गया है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। केवल 7,000 रुपए मासिक वेतन पर काम कर रहे इन ठेका श्रमिकों की सुध ठेकेदार भी लेने को तैयार नहीं। ठेका श्रमिकों ने अपनी पीड़ा रेलवे के ARM से बताई, जिस पर ARM ने आश्वस्त किया है कि उनका वेतन नहीं रुकेगा। ठेका कर्मियों की माने तो उन्हें काम करते हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं और ठेका कंपनी हमेशा बदलती रहती है। त्योहारी सीजन को देखते हुए उन्हें वेतन की जरूरत है, लेकिन ठेकेदार को इसकी चिंता ही नहीं। ठेका कर्मियों की माने तो उनका वेतन भी बहुत कम है। उनका PF भी कटना था, लेकिन ठेकेदार ने अब तक ना वेतन बढ़ाया ना ही PF नंबर दिया। उन्हें डर है कि इसका विरोध करने पर कहीं उन्हें काम से बाहर ना निकाल दिया जाए। क्या काम करते हैं आप लोग? 10 सभी। कितने लोग होंगे कोरबा में? 12 आदमी। तो अभी क्या समस्या आ रही है? समस्या 3 महीने से होगा सर, जुलाई अगस्त सितंबर से पैसे नहीं मिल पा रहे। अच्छा, कितना वेतन मिलता है आप लोग को? 7,500। पानी बहुत है सर जी, 95% काम कर रहे हैं और 2 क्लोजिंग का काम करते हैं। तो आपको बता दें कि बेमेतरा पुलिस ने वैन लूट के आरोपियों को पकड़ने में जिस तरह से बड़ी सफलता हासिल की थी, इसी को लेकर रायपुर आपको सीधे ले चलते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। DGP DM अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी दे रहे हैं। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक बेमेतरा ने जो जनमित्र एक योजना है हमारी, और एक उसके तहत हम लोगों ने सभी थानों में कुछ व्हाट्सएप से लोगों को जोड़ लिया है, तो उनको जनमित्र और साइबर मित्र दोनों कहते हैं। इस घटना की महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही ये जानकारी मिली पुलिस कंट्रोल रूम से और पुलिस सिपाहियों से SP के द्वारा, सारे गांव में ये खबर व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से आसपास इलाके में बताई गई कि ऐसी कोई गाड़ी है जो निकल रही है, उसको पकड़े। तो गाँव के लोगों ने भी इसको अपने ग्रुप बना करके सभी जगह नाकाबंदी शुरू कर दी, और उसी दौरान एक गांव में ये गाड़ी लोकेट हुई तो गांव वालों ने पत्थर मार के उसको रोकने की कोशिश की, और उसके बाद गांव वालों ने पीछा किया, पुलिस को खबर मिली। इस सब का घटना का पूरा डिटेल SP जो कि स्वयं मौके पे गए थे और जब से सुबह से दौड़ रहे हैं इसी हालात में अभी वापस आए हैं, मैं उनको आपके आगे की बात बताने के लिए SP बेमेतरा को बुलाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मात्र 1.5 घंटे के अंदर पुलिस की तत्परता और जो हमारे गांव के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, गांव के जनमित्र साइबर मित्र, उनकी मदद से न केवल सारे अपराधी पकड़े गए हैं बल्कि पूरा कैश 80,00,000 रुपए यहाँ है। 20,00,000 रुपए का जो एक बंडल और है उसको लुंगी में जो बांध के इन्होंने कहीं रखा था, उसकी तलाश के लिए बेमेतरा की पुलिस टीमें अभी भी गाँव और एरिया में सर्च कर रही हैं और निश्चित रूप से उनसे मिल जाएंगे। लेकिन इन अपराधियों के द्वारा, और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये हरियाणा के रहने वाले हैं और इस प्रदेश में आए हैं, इन्होंने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया वो भी 3-4 दिन पहले रायपुर से ही उन्होंने किसी ये होंडा सिटी लूटी थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसका और विस्तार से जो जो चीज़ें हैं वे SP साहब आपको बताएंगे। इसी बात
दारू पका रहे हैं सर, उसमें एक ग्रामीण को गोली भी लगी है सर। ये कंप्राइज में क्या होंडा से अभी अभी ये क्लियर नहीं हो पाया। पर ये है कि रायपुर से आरोपी खुद बता रहे थे कि हम रायपुर से लूटे गए थे, अभी इसी इन्वेस्टिगेशन में थे और चारों बिल्डिंग को चूंकि तीन थाना क्षेत्र के अंदर से घेराबंदी ग्रामीणों की मदद से किए, उसमें चोट भी लगी है, तो लोग को हॉस्पिटल एडमिट है, उनको भेजा गया है, उन्होंने फायर भी किया है नाम से, पर किसी को गोली डायरेक्ट। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम जानकारी दे रहे थे जिस तरह से वैन को लूटा गया था, कैश वैन थी, और ये भी डीएम अवस्थी ये भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 20 लाख रुपए की सर्चिंग के लिए तलाशी अभियान लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दरियाबंद में अपने को लाभ पहुंचाने के लिए जिम्मेदारों ने पहले तो जिंदा लोगों को मुर्दा बता दिया, उसके बाद पीड़ित खुद को जिंदा साबित करने के लिए मंत्री के सामने जाने लगा, तो जिम्मेदारों ने अपने काले करतूतों की कलाई खोलने के डर से उसे रोक दिया और मुर्दा बताया गया व्यक्ति अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा है। सुपेबेड़ा गांव में किडनी की बीमारी से जूझ रहे तीन साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी, जिसके चलते प्रशासन अब कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। अक्टूबर 2016 में जो ग्राम सभा द्वारा उसको पात्र किया गया है मुंधर को, लेकिन सचिव द्वारा जो सूची दी गई है उसमें उसको मृत बताया गया है। तत्समान में तत्कालीन सचिव द्वारा जांच की गई है, उनको निलंबित कर दी गई है, वर्तमान को निलंबित है सर। और अंकुर का ग्राम सभा ने पात्र कर दिया है, लेकिन सचिव के द्वारा जो सूची दिया गया है उसमें मृत बताया गया है, ये दोनों कारण से सचिव को जो है निलंबित कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बेमेतवा में। आपको बता दें कि कबीर कुटी के पीछे अज्ञात नवजात शिशु पाया गया है, जिसे नगर के समाज सेवियों ने जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। शिशु की स्थिति सामान्य है, नगरवासियों की जानकारी पर समाज सेवियों ने नवजात शिशु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस माता पिता की तलाश कर रही है। जैसा कि वहाँ पर लोगों को भीड़ लगी थी और एक चरण में यादव नाम के व्यक्ति जो है उस बच्चे को संभाल कर रखा था, तत्काल उसको सुरक्षित रूप से ले जाकर के जिला अस्पताल में भर्ती कराए हैं। बच्ची सुरक्षित है, जीवित है और किसी प्रकार की कोई है, अभी उनके वारिसानों का पता नहीं चला है, पता किया जा रहा है। धर्मजयगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड से मारपीट करने वाले दो भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 1 अक्टूबर को वन विभाग द्वारा पौधारोपण का कार्य करवाया जा रहा था, तभी पौधारोपण वाली जमीन को लेकर दर्रीडीह निवासी दो भाइयों ने वन रक्षक को गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत वन रक्षक द्वारा धर्मजयगढ़ पुलिस से की गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सरायपाली में वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें प्रश्नोत्तर निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पथरगांव में आज से वन विभाग वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मना रही है और वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। वन विभाग ने वन्य प्राणी और वनों की सुरक्षा के लिए रैली निकालकर लोगों को इस दौरान जागरूक किया। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी के लक्ष्य में हमने जागरूकता रैली की शुरुआत की थी, ताकि लोगों को और बच्चों के मन में वन्य और वन्य प्राणी के प्रति एक जागरूकता रहे। डोंगरगढ़ में अपनी पत्नी वीणा सिंह के साथ मां बमलेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। रमन सिंह ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए महात्मा गांधी के 36वें आगमन की उनकी अहिंसावादी के संदर्भ में बातचीत की। गोडसे वीर सावरकर मुद्दों पर भूपेश सरकार को छोटी मानसिकता का बताया, साथ ही नरवा गरवा घुरुवा और बाड़ी योजना का बुरा हाल प्रदेश में बताया कि भू प्यास से गायों की मौत हो रही है, सरकार सड़क नाले पुल बाड़ी नरवा कुछ नहीं बना रही। सरकार आपको बता दें कि सरकार के पास कोई काम ही नहीं है, उनके पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं है। जो हालत है नरवा घुरुवा की और बाड़ी का, मुझे लगता है
रोज 50 गाय इनके गौठान में मर रही है, बिना पानी के, बिना चारा के, बिना भूसा के, बिना बाउंड्री वाल के। ये सरकार का जो फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके आधार पर ये पूरी राजनीति कर रहे हैं, न सड़क बना रहे हैं, न पुल बना रहे हैं, न पुलिया बना रहे हैं, न बारी बन रहा है, न गुरुआ बन रहा है, न इनका गौठान बन रहा है। पौंडी उपरोड़ा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अनुविभागीय अधिकारी पौंडी उपरोड़ा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही एक सप्ताह में कार्यवाही नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। और सरपंच का बिना अनुमति का, बिना कार्य आदेश का, उन्होंने एक विजय दुबे नाम के को ठेका देकर काम करवाया गया और सरपंच के पास जबरन और ठेकेदार पैसा मांग करता है, जो कि सरपंच को कोई इस बात का कोई पता नहीं है। जनपद बचाव सीओ हटाव का यानी ये जरा चक्का जाम करने के लिए गुड़वाना गणतंत्र पार्टी बाध्य है। वैसे ग्राम पंचायतों में कुछ हद तक पहले से ठेकेदार यहाँ इन्वॉल्व थे, उनको हो सकता बल्कि हमसे प्रॉब्लम हो। हम तो प्रयास किए हैं कि सरपंच निर्भीक होकर के अच्छे से काम करें करके और अपने बल पर काम करें। कारण यही है कि ये अपने ठेकेदारी प्रथा को चलाना चाहते हैं और मनमाने ढंग से वसूली करते हैं, माने कमीशन खोरी करते हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं इस अभियान में कई सामाजिक संगठन सामने आकर अहम भागीदारी भी निभा रहे हैं। ऐसे ही अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजन संत कुमार राम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कटोरा तालाब में आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं ने प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई। साथ ही मंडल के स्वागत के लिए बच्चों ने संपूर्ण विद्यालय को प्राकृतिक वस्तुओं से भी सजाया, तो वहीं विद्यालय की छात्राओं ने मिलकर प्लास्टिक हटाओ मानव श्रृंखला से निकाल कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। संत कंवर कन्याशाला में भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका सफल आयोजन में पूरी स्कूल की टीचर्स और शिक्षक शिक्षिकाएं ने सहयोग किया और तेरापन महिला मंडल ने पूरा पूर्ण रूप से सहयोग दी। और आज कपड़े की बैग डिस्ट्रीब्यूट की है और ये हमारे मंडल का लोगो है। आज करीब 100 हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है और आगे भी भविष्य में जैसे जैसे थैलियां बनती जाएगी वैसे वैसे हम रिप्लेस करते जाएंगे, कपड़े की थैली देंगे और प्लास्टिक की थैली को लेते हुए जाएंगे और हम कोशिश करेंगे जितना प्लास्टिक मुक्त हमारा राज्य हो सके। एक तरफ शासन योजना चलाकर गायों की रक्षा करने की बात करता है तो दूसरी तरफ सैकड़ों गाय वाहन दुर्घटनाओं के शिकार होकर अकाल मौत के साए में समा रही हैं। और ऐसी ही एक हृदय विदारक घटना बालोदा बाजार जिला मुख्यालय में भी सामने आई, जहां सड़क पर बैठी गायों को किसी अज्ञात वाहन ने बड़े ही बेरहमी से रौंद दिया और मौके पर उसकी मौत हो गई और फरार हो गए आरोपी। रायगढ़ जिले के तमनार में प्रसिद्ध मां बंजारी धाम तराई माल में नवरात्रि पर्व पर हजारों भक्तजनों का तांता देखा गया। चार दीप ग्रह में 4,100 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद गोमती साय, लैलूंगा विधायक चक्रधर सिदा, पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया, कलेक्टर यशवंत कुमार, एसपी संतोष सिंह सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हर दिन हजारों भक्तजन आरती के बाद भंडारे में महाप्रसादी का ग्रहण करते हैं। शारदीय नवरात्रि में पूरे देश में भक्तिमय माहौल है और नवरात्रि में पूरे भक्तों का जत्था देवी मंदिरों में अपना माथा टेकने के लिए पहुंचता है। पुराणों के मुताबिक कहा जाता है कि देवी की महिमा अपार है और यह दुर्गम पहाड़ियों में विराजमान होती हैं। आज हम आपको ऐसे ही दुर्गम और कई पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में विराजित माता महिषासुर मर्दिनी चतुर्गढ़ के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। के अनुसार भगवती महिषासुर मर्दिनी जब महिषासुर का संहार की तो थक गई, श्रमित हो गई और श्रमित होकर के एक स्थान पर कुछ समय विश्राम करने के लिए रुक गई। पुराणों की मान्यता है कि वह विश्राम स्थान यह चैतुर्गढ़ है, बहुत ज्यादा सुंदर
जी इतना सुकून है भैया कि उसका बखान ही नहीं किया जा सकता, इतना ज्यादा सुकून है यहाँ आने से। बस्तर दशहरे की विश्व प्रसिद्ध रस्म रथ परिक्रमा का शुभारंभ हो चुका है और इस रस्म में बस्तर के आदिवासी हाथों से पारंपरिक औजारों द्वारा बनाए गए विशालकाय रथ को शहर में उसकी परिक्रमा कराते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, मैं नहीं समझता कि विश्व में इस प्रकार का कोई इतना दो मंजिला रथ का परिचालन किया जाता है। बस्तर दशहरा काचनगादी किस से शुरू होता है, जो कि पितृपक्ष के अमावस्या के दिन होता है, उसके दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना और जो भी बिठाई की रस्म होती है, फिर कूट रथ का परिचालन होता है। महाराजा साहब के शासन काल से ही ये रथ परिक्रमा की परंपरा है। हमें प्रदेश के हृदय स्थल प्रयाग नगरी राज्य में देर रात तक आयोजन हुए रास गरबे में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सदर सदर निवास गुलदस्ता भेंट के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संयोजक। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।